कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन के पांचवें चरण का खाका अभी से तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 5.0 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मन की बात कर सकते हैं। लॉकडाउन के पांचवें चरण में कोरोना प्रभावित 11 शहरों को छोड़कर बाकी देश में छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। खबर है कि लॉकडाउन 5.0 सरकार 15 जून तक बढ़ाने की तैयारी में है। इससे पहले 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि लॉकडाउन 5.0 30 जून तक जाएगा और ये इस लॉकडाउन से काफी सख्त होगा। जबकि कुछ रिपोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रेनें, बसें और हवाई सेवाएं सब शुरू कर दिया गया है तो अब लॉकडाउन 5.0 नहीं आएगा। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का पांचवा चरण 11 शहरों पर केंद्रित होगा, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल है। इन शहरों में 70% से अधिक कोरोना केस हैं। केवल 5 शहरों यानी कि अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, कोलकाता और मुंबई में तो आंकड़ा 60% के पास है। लॉकडाउन 5.0 में क्या खुलेगा क्या नहीं? लॉकडाउन में पांचवें चरण में केंद्र की ओर से धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी जा सकती है, लेकिन नियम और शर्तें लागू रहेंगी। धार्मिक स्थल पर कोई भी मेला या महोत्सव मनाने की छूट नहीं होगी। साथ ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठा नहीं होंगे। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। लॉकडाउन 5.0 के दौरान सभी जोन में सैलून और जिम को खोलने की इजाजत दी जा सकती है, पर सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर। हालांकि इस चरण में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही मॉल और मल्टी कॉम्प्लेक्स को भी बंद रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन 5.0 में शादी और अंतिम संस्कार में कुछ और लोगों को शामिल होने की छूट दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन का पांचवा चरण 2 हफ्ते के लिए लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।